हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड पार्ट टू चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से जो ह्यूमन है वो अपनी अर्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं, और अगर ऐसे ही ह्यूमन कंटिन्यू करते रहे तो वो अपनी अर्थ को एक एज ए एलिंग प्लैनेट देखेंगे, एक बीमार प्लैनेट की तरह देखेंगे। तो पेज नंबर 45 पे हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। It has been well said that forest precede mankind, desert follow. कि सबसे पहले है वो फॉरेस्ट बने और उसके बाद ह्यूमन बने, और इसी तरह से चलता रहा तो ह्यूमन है वो डेजर्ट को बनाएंगे। देखो कैसी अच्छी बात कही गई है कि सबसे पहले फॉरेस्ट आए, और फॉरेस्ट कितना इन्वायरमेंट को ग्रीन रखते हैं, और जो ह्यूमन है ये ख़राब कर रहे हैं, उनको कट कर रहे हैं, तो वो उनको डेजर्ट बना देंगे। द वर्ल्ड्स एंशियंट पेट्रोमनी, पेट्रोमनी मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं, ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ एरोडिंग एट द रेट ऑफ 42 मिलियन एकर्स ए ईयर, एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग ऑफ फॉर बर्निंग डिप्राइव द सोइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। कि वर्ल्ड में यह अनुमान लगाया गया है कि जो हमारे पूर्वज है ये फॉरेस्ट इज नाउ एरोडिंग मतलब अभी कम होते जा रहे हैं फॉरेस्ट की रेट, और ये 40 to 50 मिलियन एकड़ पर ईयर ये जो फॉरेस्ट है ये कट हो रहे हैं, और जो काउ का जो डंग होता है वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स, काऊ का या फिर किसी का भी वेस्ट मटेरियल होता है डंग जो होता है, वो जो अर्थ है जो हमारी भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है, लेकिन लोग उसको भी जलाते हैं, तो इसलिए नेचुरल जो फर्टिलाइज़र है वो भी कम हो रही है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट ए 5-fold इंक्रीजिंग इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कॉप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसने एस्टिमेट लगाया है कि 5-fold इंक्रीजिंग रेट है ये बढ़ गई है पेड़ काटने की, मतलब लगभग कहा जाए तो जैसे 2002 में इसकी फ्यूल वुड की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मतलब पेड़ लगाए कम जा रहे हैं और काटे ज़्यादा जा रहे हैं। जेम्स स्पेथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट सेड द अदर डे, जेम्स स्पेथ जो प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा है वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर ए सेकेंड। उन्होंने कहा है कि हम अपने जो फॉरेस्ट है वो पर एक एन एरिया एक एकड़ है वो एक सेकेंड में खो रहे हैं, एक वन एकर जो फॉरेस्ट है वो एक सेकेंड में खो रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा पेड़ है वो कट हो रहे हैं। बट इट इज़ मच क्लोज़र टू एन एकर एंड ए हाफ टू ए सेकेंड, लेकिन ये उनका अनुमान गलत था, वो एक सेकेंड में एन एरिया एक सेकंड में और ज़्यादा है वो लॉस कर रहे हैं। आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल इंड्योर मतलब रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि आर्टिकल 48 में लिखा गया था, टोटल 448 कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं, तो 48A में लिखा गया था कि सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रोटेक्ट करना, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है अपनी कंट्री की, उसको प्रोटेक्ट करना और उसका डेवलपमेंट करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। But what causes endless anguish is the fact that laws are very respect for enforced in India. परंतु ये भारत का इंडिया का दुर्भाग्य है, anguish मतलब पेन है, कि यहाँ पे कानून है वो लागू तो किए जाते हैं लेकिन उन नियमों का कभी रिस्पेक्ट नहीं किया गया। For instance, the constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution. देखिए कि इन कानून बनाए गए हैं लेकिन
आज भी हमारे देश में जो छुआछूत है, बच्चे जो बच्चों का लेबर जो चाइल्ड लेबर है, या फिर दूसरा जो मजदूर लोगों का शोषण होता है, एक्सप्लोटेशन होता है, इन इन सबको एबोलिश तो कर दिया गया है, बंद तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये सब काम शेमलेसली फैले जा रहे हैं लगभग ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 44 ईयर्स बाद भी। ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमिटेड हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है डेंजर, डिप्लेक्शन मतलब कम, ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 decades। कि कितने दिन के बाद एक रिपोर्ट से, पार्लियामेंट के एक एस्टिमेट से पता चलता है कि ये खतरा दिन प्रतिदिन कम ना होकर बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर ए ईयर। हर साल में इंडिया है वो फोर जो दशक हैं लास्ट 4 decades से वो 3.7 मिलियन एकर एरिया के जो फॉरेस्ट है उनको खो रहा है। लार्ज एरिया ऑफिशियली डिजाइनेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअल ट्रीलेस। इसी तरह से अगर चलता रहा तो हमारा बहुत सारा एरिया ट्रीलेस हो जाएगा। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेट टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेट बाई गवर्नमेंट स्टेटिक। और गवर्नमेंट के अनुमान से ये एक्चुअल लॉस होगा फॉरेस्ट का जो 8 times तक चलता रहा है, और अगर इस तरह से हुआ तो हमारी कंट्री है वो ट्रीलेस हो जाएगी। ए 3-year study using satellite and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of 88 countries investigate. लगभग 3 साल की स्टडी के बाद सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी से ये पता चल लगाया है किसने, यूनाइटेड नेशन ने, और वॉर्न किया है इन्वायरमेंट को कि अगर इस तरह से चलता रहा तो हमारा इन्वायरमेंट है ये ख़त्म हो जाएगा, और इस ग्रस्त में लगभग 88 कंट्रीज़ है वो आ चुकी हैं। देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इस तरह से इन्वायरमेंट और गरीबी को पनपने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पॉपुलेशन ने दिया है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ही बेकारी बढ़ेगी और लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ही इन्वायरमेंट हार्म होगा, तभी ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी नीड है वो भी बढ़ेगी। इट टुक मैनकाइंड मोर देन 1 billion years टू रीच द 1st billion। पहले 1st billion में पॉपुलेशन है वो मिलियन है उतनी ग्रोथ की। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800 बाय द ईयर 1900 2nd billion वाज एडेड एंड 20th century हैज़ एडेड अनदर 3.7 billion। इस तरह से पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई, पहले साल में 1800, उसके बाद 1900, और बढ़ते बढ़ते 3.7 billion पर पहुंच गई। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड द 5.7 billion। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजिंग बाई 1 million। और धीरे धीरे इस तरह से पॉपुलेशन 5.7 billion पर पहुँच गई, और अब जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये बात है 1994 की, उस टाइम की बातें हो रही हैं। फर्टिलिटी फॉल्स इन द इनकम राइज एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। अब जैसे जैसे ही लोग एजुकेटेड हुए, हेल्थ इम्प्रूव्स हुई, और उन्होंने समझ आती गई तो उन्होंने फर्टिलिटी इट मीन्स जो बच्चे पैदा करने हैं वो कम कर दिए। दस डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रोसेप्टिव, और इसके लिए बट डेवलपमेंट इट सेल्फ मे बी पॉसिबल इन द प्रेजेंट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कंटिन्यूस। तो इसके लिए सबसे डेवलपमेंट करने के लिए
अगर कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो ये इट्सेल्फ मतलब जो लोग हैं पॉपुलेशन है उनके ऊपर ही निर्भर करता है। वो फर्टिलिटी को अगर फॉल करेंगे, स्टॉप करेंगे, अगर अवेयर हो जाएंगे तो पॉपुलेशन है उसको रोका जा सकता है। द रिच गेट रिचर, अमीर अमीर बनता गया, एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन विच कंडेम्स देम द रिमेन पुअर, और जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब होते रहे, और बड़े होकर वो अपने पेरेंट्स को ही चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स को ही कोसते हैं। मोर चिल्ड्रंस डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, कुछ लोगों का मानना है कि अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा कमाएंगे। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क, और बहुत सारे लोग तो बिना काम के ही रह जाते हैं। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड कंपल्सरी स्टेलाइज्ड, और जिस तरह से ह्यूमन की जो पावर होती है चिल्ड्रन को बॉर्न करने की, उसका जो बच्चा होता है उसको ग्रो करने की, वैसे ही जिस तरह से एनिमल्स में कैटल पशुओं में ये ताकत को कम कर दिया जाए तो वो कम जो जानवर है वो पैदा कर पाएंगे, इसी तरह ह्यूमन में भी हो सकता है कि उनको भी उनकी जो स्टेरिलिटी है बच्चे पैदा करने की क्षमता है उसको कम कर दिया जाए। बट देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कॉर्सिकन, तो लेकिन इस तरह से हम जो ह्यूमन है उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। द चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड द परपेक्चुएंस ऑफ पॉवर्टी, और यही बात है कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है पॉपुलेशन के साथ पॉवर्टी है, गरीबी है, वो भी बढ़ रही है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेट टू बी 920 मिलियन टुडे, मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अभी 1994 की बात हो रही है, उस टाइम 920 मिलियन पॉपुलेशन थी जितना कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका को मिलाकर भी नहीं हो गई। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल हैव डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिविन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर इस तरह से ही जनसंख्या बढ़ती रही, इसको कंट्रोल नहीं किया तो लोग भूखे अपने हटमेंट्स अपनी झोपड़ियों में ही मर जाएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है ह्यूमन हिस्ट्री के लिए। वी हैव बिगन टू टेक ए हॉलिस्टिक वे ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर एक्सिस्टेंसेस, और ये हमें एक बहुत ही हॉलिस्टिक वेव देगी। द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल ऑफ डायमीज, इट इज़ पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, ये एक सिग्नल देकर हमारा फ्यूचर के लिए पासपोर्ट है कि अगर हम इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे तभी उसमें जा पाएंगे। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड्स इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये तो युग से जिम्मेदारी बनती है। इट इज़ ए हॉलिस्टिक वेव एंड इकोलॉजिकल वेव सीइंग द वर्ल्ड एज एन ए इंटरग्रेटेड हॉल रैदर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट, और ये किसी एक चीज़ के लिए अर्थ के लिए बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में जैसे पॉपुलेशन लगा लो या फिर जो फॉरेस्ट लगा लो और हमारा जो अर्थ है, हमारे जो एनिमल्स हैं उनको सबको बचाने की बात कही गई है। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रियर रोल ऑफ द प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस नए युग में सबसे मेन प्ले कौन करता है, इंडस्ट्रीज उद्योग। वुड ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्ट इफ मोर Businessmen shared the views of chairman of DuPont. DuPont एक कंपनी का नाम है, Mr. Auguste Boulard, who 5 years ago declared himself to be the company chief environment officer. लगभग 5 साल पहले एक चेयरमैन थे DuPont कंपनी के जिनका नाम था Mr. Auguste Boulard, उन्होंने डिक्लेयर किया था अपने आप ही, क्या डिक्लेयर किया था, द कंपनी चीफ इन्वायरमेंट ऑफिसर, ही सैड आवर कंटिन्यूड एक्सटेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स रिक्वायर्ड दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, कि अगर हम अपने इंडस्ट्रीज़ को आगे ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें इन्वायरमेंट को भी आगे लेकर चलना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को भी ग्रो करना होगा। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाई मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, नन हैज पास्ड सो decisively into the current coin of English using as her felicitous words,
नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन द अर्थ। अब दूसरी एक स्टेटमेंट और दी गई है, किन्होंने दी है, मार्गरेट थैचर है। ये उस दौरान प्राइम मिनिस्टरशिप में थे और उन्होंने बताया है कि नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन द अर्थ, कि अर्थ है वो क्या है कि अर्थ के ऊपर हमें ये सब ऐसे ही नहीं मिला। ऑल वी हैव इज लाइफ टेंडेंसी, ये हमें एज ए मतलब उधार मिला है विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, जिसका हमें रिपेयर करके उसको वापस देना है, उसका जो रेंट है वो रिपेयरिंग है। इन द वर्ड ऑफ मिस्टर लेसर ब्राउन, दूसरा मिस्टर लेसर के वर्ड है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ, कि ये हमें इनहेरिटेड नहीं है, मतलब हमें अपने पूर्वजों से नहीं मिली है क्या अर्थ। फ्रॉम आवर फोर फादर्स वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, और ये हमें अपने चिल्ड्रन से उधार ली है और उनको वैसे ही हमें वापस देनी है। तो इसीलिए अपनी अर्थ को, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन एंड क्लियर बनाना है, उसका प्रिजर्व करना है, उसका अच्छे से रख रखाव करना है, ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो उसका बेनिफिट ले सके। तो स्टूडेंट, ही हमारा लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड अदर एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।